आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है। देखिए, कस्टम फॉर्मेटिंग या नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आपने सीखा कि कैसे हम सिलेक्ट करके हमने फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट हो गया, राइट सर? जी सर। जैसे मान लीजिए कि मैंने 7-2-4 को फॉर्मेट यहां से कलर कर दिया, तो जो कलर हुआ इसमें इससे कोई रोल नहीं है कि 7-2-4 के अंदर में क्या टाइप है। वैल्यू चेंज हो गई तो कोई मतलब नहीं, तो मुझे अपने हिसाब से कलर करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ जनवरी में जो लेस देन जो ग्रेटर देन 500 है ना, 5000, वो हाईलाइट हो जाए, राइट? जी सर। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया को सिलेक्ट करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे कैटेगरीज है, इसमें आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना होगा। यहां मैंने सिलेक्ट कर लिया ग्रेटर देन, समझे? जी सर, हमने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ठीक है सर। इसमें अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर आएगा, मैंने यहाँ पे 5000 डाल दिया, तो देखिए डिफॉल्ट कलर आ गया। आप चाहो तो अपना डिफॉल्ट कलर यहाँ चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर दिया येलो फील बगर बगर, लेकिन नहीं, मुझे खुद की फॉर्मेटिंग चाहिए। तो कस्टम फॉर्मेट में हम जाएंगे, यहाँ पे मेरे खुद के फॉर्मेटिंग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने येलो सिलेक्ट कर लिया, तो आपका येलो हो गया, देन ओके। फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, फॉर्मेट को मेंटेन भी रखता है। जैसे कि 4800 अगर 5500 रुपया हो जाता है तो हाईलाइट हो जाएगा, और 8770 जो है वापस जो है 770 हो जाता है, तो ये आपका कंडीशन रिमूव हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो और यहाँ क्या क्या है? तो हाईलाइट सेल्स में जैसे कि ग्रेटर देन किसी नंबर से ज्यादा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन टू नंबर्स के बीच की वैल्यू, इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू। अब यहां देख लीजिए, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो तीन है, इसमें आप डेट टाइम और नंबर डाल सकते हैं। जी सर। डेट जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉलम यहां इंसर्ट किया और यहां पे डेट डाल देता हूं। ठीक है सर। जून का डेट ही डाल दिया, तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर डेट के बाद करे, मैं चाहता हूं कि 10 जून के बाद डेट दिखे, तो मैं यहीं पे ग्रेटर देन और यहां पे 10 जून कर दूंगा, राइट हो गया। अब यहां ईयर डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि करेंट ईयर था, अगर प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर होगा तो यहां पे डैश आपका ईयर भी डालना होगा, और डेट अपना अपने फॉर्मेट के हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लेस देन बिटवीन और इक्वल टू के कर सकते हैं। इस पे आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, जैसे कि आप ग्रेटर देन पूजा नहीं कर सकते, ग्रेटर देन रवि नहीं कर सकते, बट इक्वल टू में जो मर्जी डाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट भी डाल सकते हैं कि 6 जून हाईलाइट हो जाए, आ गया, या मैं चाहता हूं 70-72 हाईलाइट हो जाए, इक्वल टू 70-72 हाईलाइट हो गया। कोई पर्टिकुलर नेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इक्वल टू में, जैसे मैंने पूजा कर दिया, हाईलाइट हो गया। लेकिन छोटी सी दिक्कत होती है इसमें, जैसे कि दिल्ली है और यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली दे दिया, अब मैं इक्वल टू का यूज करता हूं, इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए इक्वल टू और यहाँ पे दे दिए दिल्ली, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ न्यू दिल्ली जो है वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू डाला था। यहाँ पे हम डालेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या डालेंगे? टेक्स्ट दैट कंटेन। जैसे मैं यहाँ दिल्ली डाल दिया तो मैच करेगा, जैसे कंट्रोल एफ होता है ना फाइंड एंड रिप्लेस जो मैच करता है, उसी तरह से मैच करेगा कि दिल्ली किसी सेल में सिंगल या किसी के साथ या स्टार्ट में एंड में किसी भी पोजिशन में है या नहीं है। अगर है तो हाईलाइट कर देगा, नहीं है तो छोड़ देगा। जी सर। ठीक है, लेकिन क्या है नंबर पे वर्क करेगा? जैसे कि मैंने सेलेक्ट करके टेक्स्ट दैट कंटेन में 11 डाल दिया,
हाईलाइट हो गया। हाँ जी, मैं यहाँ पे डबल स्लिट डालता हूँ, हाईलाइट हो गया। तो ये नंबर और टेक्स्ट दोनों में वर्क करता है, करेगा। तो ये हमारा था टेक्स्ट दैट कंटेन। अब अगला आता है डेट ऑफरिंग। ये डेट ऑफरिंग, अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू में आज की डेट 8/6 कर दिया, तो आज की डेट हाईलाइट हो गई। लेकिन ये तो फिक्स नहीं है ना, कल अगर मैं इसको खोलूंगा तो कल जो है क्या 9 हो जाएगा? ये नहीं होगा, आपको मैनुअल करना नहीं होगा। ठीक है जी सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में ए डेट ऑकरिंग आपको दिख रहा होगा, ए डेट ऑकरिंग क्लिक कीजिए। अब इस पे आपके पास आएंगे जैसे स्टडे, कल की डेट 7 जून हाईलाइट हो गया, टुडे आज की डेट जैसे 8 जून हाईलाइट हो गया, ऐसे टुमारो कल की डेट, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, और ये सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड है। जैसे टुडे कर दिए तो आज 8 जून हाईलाइटेड है, कल जैसे ही खोलूंगा ये 9 जून दिख जाएगा। जी ठीक है जी सर, तो ये हमारा डेट ऑपरेटर। अब आती है डुप्लीकेट। किसी सिलेक्टेड एरिया में अगर कोई नंबर मोर देन वन टाइम है तो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मान पता करना है कि नेम है, हालांकि नेम तो सारा डुप्लीकेट ही है, तो पूरा हाईलाइट हो गया। अब इसको मैं अलग सीटे बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला, मैं चाहता हूँ जैसे कोई रिपीटेड अकाउंट नंबर डले तो हाईलाइट कर दे। तो डुप्लीकेट वैल्यू में हमने यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट कर दिए। हालांकि डुप्लीकेट नाम का यूनिक भी होता है, आप यूनिक को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, और जैसे ही 1 नीचे लिखूंगा ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा। हमने जैसे ही 1 नीचे लिखा ये दोनों हाईलाइट हो गए, समझ गए? हाँ जी। 3 करूंगा तो तीनों हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इज़ देयर कोई डाउट? नो सर, ऑल क्लियर। अब आते हैं टेक्स्ट टॉप बॉटम रूल्स। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना है, टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करूंगा, टॉप 5 पे करूंगा, टॉप 100 करूंगा, तो मेरा डेटा हाईलाइट हो जाएगा। जी सर। उसी तरह से अगर बॉटम है छोटा है तो बॉटम 10 करूंगा तो बॉटम 10 हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टॉप 10% एंड बॉटम 10%। तो बेसिकली ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जब परसेंटाइल फॉर्मूला समझाऊंगा तो हम इसको भी आपको समझा देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हेलो। अच्छा ले आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है एज ऑफ एवरेज। एक सिलेक्टेड एरिया का एक एवरेज यहाँ दिख रहा होगा 791। सिलेक्टेड एरिया का एक एवरेज है 791, दिख रहा है? काउंट है ना? हाँ सर, यहाँ एवरेज 4751 एवरेज है हमारा। हाँ जी सर। ठीक है जी सर। आप सर मैक यूज करते हैं क्या? जी आप मैक यूज करते हैं क्या? नहीं, मैक नहीं है, विंडोज है सर, ये विंडोज 11 है सर। अच्छा। तो यहाँ पे अबव एवरेज, तो क्लिक करते हैं जो एवरेज से ऊपर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और बिलो एवरेज जो बिलो से नीचे होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा।
समझ गए सर जी सर। अब इसी में आता है डेटा बार, इस तरह का बार अपना सर। मान लीजिए मुझे पता करना है कि जो 107916 जो अमाउंट है रवि का 5 नंबर पटना में, ये हाईएस्ट में है या लोएस्ट में या मिडिल में है, मतलब कि टोटल सेल में इसका क्या क्या पोजीशन क्या है जी सर। अब इस पोजीशन को पाने के लिए यहाँ आपको दिख रहा है जी सर, पता चल जा रहा है। अगर मैं इसको अलग करूं, अलग करूं इसी एक सेल पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है जी सर। और यहां पे अगर मैं डेटा बार करता हूं, तो जैसे से मैं नंबर भर रहा है, बार भी भर रहा है ना जी सर, बाकी जो चीजें दिख रहा है ना यही है ठीक है, कलर अलग अलग है जी सर। जी सर, डेटा बार आता है। डेटा बार क्या है, आपको बार देता है कि हाँ लोअर आपका रेड हो गया, ग्रेटर आपका ग्रीन हो गया जी सर, तो कलर की तरह बता सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट समझाना है तो आप आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आइकन कुछ कंपेयरिंग में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरा क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है, क्वार्टर में 50 या 55 है। अब मुझे ये दिखाना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है, किस सेल किस दिन किस में सेल अप हुआ है, किस में सेल हमारा डाउन हुआ है, कैसे पता चलेगा? वो आइकन से कर देंगे सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाँ, यहीं पे हम जाएंगे और आइकन का इस्तेमाल करेंगे ठीक है जी सर। अब जो कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने लगाया है इसमें, तो हमने जो यूज किया है ना सर, ये हमारा मोस्ट यूजेस कमांड है। क्या है? मोस्ट यूजेस कमांड। ऐसे इसलिए जैसे कि यही पे देखिए ग्रेटर देन है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है ना? नहीं सर, बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं है, टेक्स्ट दैट कंटेन है स्टार्ट विथ एंड विथ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मोर रूल्स में या न्यू रूल्स में मिलती है ठीक है, समझे जी सर। इसके अलावा इसके बाद खुद का कंडीशन है तो फॉर्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग की टोटल होगी आपके 3 क्लासेस। आज मैंने बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ाया, कल मैं इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा और फिर एक लास्ट एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग होगा, लेकिन वो कल परसों आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, वो पढ़ाई जाएगी जब आप फॉर्मूले को सीख लेंगे तब ठीक है सर। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल जो है आप कंडीशन फॉर्मेटिंग की जो चीजें मैंने दी है सबको यूज कीजिए और सबके मुझे तकरीबन 2-2 एग्जाम्पल दीजिए ठीक है सर। ठीक है जी सर, फिर मैं कल बात करेंगे एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग की अगली नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जिसमें हम फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे, उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करेंगे ना इसलिए। हालांकि वो चीज मैं अभी पढ़ा सकता था आपको मैं, लेकिन क्या है ना सर कि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो जो एडवांस चीजें है उस पर ध्यान चला जाएगा, और अभी जो चीजें बताई है बेसिक कंसेप्ट पर बताया है उसको आप भूल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा जी सर, इसलिए मैं यहाँ भी स्किप कर रहा हूँ, अभी ब्रेक कर रहा हूँ ठीक है। ठीक है, कल सेम 9 आपका 9:20 पे साथ स्टार्ट हो जाएगा, लेट नहीं होगा, 9:20 से लेट होगा ही नहीं सर। ठीक है सर। अच्छा सर, वो आपने लॉगिन किया उसका? अच्छा हाँ, वो एक मिनट मैं अभी अभी है ना आपका टाइम अभी कर देता हूँ। हाँ सर, अपना नंबर बताएं, किस नंबर से लॉगिन है आप? 8385 95 95 05 05 04 04 जी सर। देखिए तो ओटीपी आया,
आया सर 6560। 6560 जी सर। सॉरी 6560 ये तो एक मिनट, आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ था ना, नाम क्या लिखते हैं? अंकुर। अंकुर ईमेल अंकुर, ईमेल आईडी क्या लिखते हैं? KHTOR। एक मिनट चैट कर देंगे अच्छा इस पे जूम पे। हाँ सर एक मिनट। भेजिए सर। जूम चैट पे भेजा आपने तो व्हाट्सएप हाँ जी सर जूम चैट। अंकुर है ना सर नाम आपका? हाँ जी सर। क्योंकि मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका लॉगिन जो है इसी से होगा सर। जी सर। इसी मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा मतलब। हाँ ओटीपी सी पे आएगा सर। ठीक। स्टेट कौन सा है? राजस्थान से। हो गया सर, एक्सेस कर लीजिए। ठीक है मोबाइल नंबर ओटीपी से एक्सेस कर लीजिएगा। राइट सर, हेलो अंकुर जी।